वर्ष 2023 की तुलना में इस साल ग्रैंडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरएपी के पहले चरण की पाबंदी अब 6 दिन बाद लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल दिल्ली का AQI 6 अक्टूबर को ही 200 का आंकड़ा पार कर खराब श्रेणी में पहुंच गया था, जबकि इस साल ये स्थिति 13 अक्टूबर को बनी। मतलब 2023 के मुकाबले इस साल दिल्ली वासियों को 6 दिन अधिक साफ हवा मिल पाई। मौसम विभाग ने अगले कुछ हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसलिए आयोग ने CPCB दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, DCCC और NCR से संबंधित राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। वहीं CAQM द्वारा आम नागरिकों के लिए दिए गए निर्देश अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक रखें, वाहनों के टायरों में उचित वायु दाब बनाकर रखें, अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अपडेट रखें, वाहन को लाल बत्ती पर बंद करके रखें, खुली जगह में कूड़ा कचरा ना फेंकें, वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को 311 ऐप ग्रीन दिल्ली ऐप व समीर ऐप के माध्यम से रिपोर्ट करें, 10 साल से पुराने डीजल एवं 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाएं। NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्राफ को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 यानी बहुत खराब होने पर, और तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर, और चौथा चरण AQI 450 से अधिक होने पर लागू किया जाता है। पहले चरण के तहत अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।